तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्यांश रॉय और आज मैं आपको ले कर जाने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में। और वहाँ है रवि भाई की सिस्टर की शादी, जिनका हिमाचल वाला के नाम से चैनल है। हम दिखाने वाले हैं आपको पूरा हिमाचली कल्चर, जो पहाड़ी कल्चर रहता है हमारा, कैसे शादी होती है। कुछ जो रस्में हैं वो सेम ही रहती हैं और कुछ रस्में जो है वो हमारे पहाड़ी कल्चर के रिलेटेड रहती है, जो हमारे पहाड़ों में ही यूज़ की जाती हैं। तो आपको सब कुछ हम स्टेप में दिखाने की कोशिश करेंगे। और हिमाचल वाला की सिस्टर जिसकी शादी है उसका नाम है दीक्षु, और उसकी शादी को आप इंजॉय करो। और स्टेप में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शादी हो रही है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो, इस रस्म में होता क्या है दोस्तों कि लड़की के सर के ऊपर तेल डाला जाता है, कंगन डाले जाते हैं लड़की के हाथों में, वो अलग अलग चीज़ें चूड़ियाँ वगैरह, ठीक है। तो अभी मैं भी हाथों में कंगन वगैरह पहना लेता हूँ, मतलब धागे का एक हल्का सा कंगन होता है। दोस्तों मामा लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भाई खाना बनाना जो है ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे रेडी हो रहा है, ठीक है। और देखो क्यों मामा लोग के लिए जो है वो पूरियाँ तल रही हैं, और राजू भाई एंड बाकी मनु भाई यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे लोग जो मिल के काम कर रहे हैं। सुना दो गीत, कोई सुना दो गीत। ठीक दोस्तों, अभी 3:40 आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा भाई ये पर्दा जो है ये लगाना रह गया था, ठीक है। तो अभी दोस्तों लगभग 7:30-8 बारात भी यहाँ पे पहुँच जाएगी, और जो मामा लोग आते हैं हमारे कल्चर में वो भी भाई आने ही वाले हैं जस्ट बस कुछ देर में। उनकी भी एंट्री बस वैसे ही होती है जैसे कि बरातियों की होती है, और उनके सेवा पानी भी वैसे ही करना पड़ता है जैसे कि बरातियों का होता है, ठीक है। तो भाई दुल्हन के मामा वगैरह आ चुके हैं अभी। ये मतलब दूसरी शादी है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा रिचुअल्स का उतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी जो जो मतलब होता रहेगा। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि मामा मामी जी ना वो आ गए हैं, और वेद की पूजा स्टार्ट होने वाली है। मतलब जो वेद लगाते हैं ना, वेद के लिए मंडप वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए वो पूजा स्टार्ट हो गई है। तो इनके यहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, इनका ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से, कल्चर के हिसाब से मामा मामी जी जो है वो पूजा करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। इसको भी स्ट्रेट करने में टाइम लगेगा, तैयार होने में टाइम लगेगा, तो क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट कर। दीक्षु दीदी यार वीडियो बनाने मेरा वेटे। यहाँ पे जो कि भाई दूल्हे की साली हैं, अभी सारी की सारी जो गेट रोक लिया है, और दूल्हा अभी आ रहा है ऊपर से, मतलब बारात आ चुकी है अभी। तो अभी यहाँ पे जो रस्म है वो निभाई जाएगी। Thank you.
गाइस यार फाइनली बारात जो वो अभी इंटर कर चुकी है एंड अब छोटी छोटी कुछ रस्में होती हैं हमारे कल्चर में जिसको कि मैं जाके निभाऊंगा। अभी जो आप लोगों ने देखा ना कि दूल्हा अंदर आया रूम के अंदर, तो इस रस्म को एक्चुअली बोलते हैं अंदरेड़ना। अंदरेड़ना ना तो यस मतलब कि दूल्हे की एंट्री हुई रूम में। अभी जो है दुल्हन को बेड में ले जाया जा रहा है जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे शादी होगी। और दोस्तों बारात जो वो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पहुँचे हुए, लेकिन अभी जो है दोस्तों टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे बारात आती है क्योंकि सुबह को ब्रेकफास्ट रेडी करना और मतलब उनके लिए खाना बनाना, तो भाई इसके लिए आपको रात भर जागना पड़ता है। और मैं सच बताऊँ तो स्पेशल थैंक्स है मेरा इन मेरे भाइयों के लिए जो कि भाई रात भर जाग के मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल थैंक यू भाई। ठीक है, तो अभी भाई फिलहाल तो ये करेंगे कि सारी की सारी बारात को खाना पीना उनका जो चल रहा है अभी तक, ठीक है, वो सारा करवा के एंड उसके बाद फिर से रेडी होकर एंड सारे के सारे लोग जो है मैं दीक्षु सिस्टर शिवानी वगैरह सभी जाएंगे भाई वहाँ पंचैकी में। बाकी यार मैं आपको शादी में जाके दिखा देता हूँ कि भाई वहाँ माहौल क्या चल रहा है। सारे के सारे लोग जो वो मिलके खा रहे हैं खाना, ठीक है, इससे मैं भी उस रूम में चलता हूँ एंड भाई जाके उनको देते हैं गिफ्ट्स। ये वो छोटा सा लड़का है जो कि दूल्हे के साथ रहता है और जिसे कहते हैं पंचैक। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। प्रिंस जी
कुल मिला के दीक्षु को जो हमने यहाँ से विदा कर दिया है। एंड अभी हम सारे के सारे लोग भी रेडी होके उनके साथ ही जाएंगे, मतलब पीछे से, जिसको कि पचंकी बोलते हैं। गाइस फाइनली अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो गाना बजाना सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फटाफट से वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको बोला था। ये उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार से व्लॉग मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।